5,92,000 लाभार्थियों को, जो पहले 60 करोड़ थी अब वो 88 करोड़ जाएगी, डीबीटी होगी सीधी उनको। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि लगभग आज 150 करोड़ रुपये आपके खातों में ट्रांसफर होने जा रहे हैं। 150 करोड़ इस प्रकार से करीब 300 करोड़ रुपये अधिक बढ़ेंगे, जो बढ़ा है मैंने अभी पैसा, उस 300 करोड़ का भार ज्यादा आएगा सरकार पर। पेंशन वालों को भी हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, दिव्यांगों को, उनकी पेंशन हमने 500 रुपये की 1,000 रुपये कर दी है, 750 थी उनको कम से कम 1,000 मिलेगा। 3,000 करोड़ का भार आया सरकार पर, तब भी हमने कहा कि सोशल सिक्योरिटी है, जिसके मैं लगातार प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, आप जो है पूरे देश में लागू करो सोशल सिक्योरिटी कानून बना के लागू करो, जिससे कि पूरे देश के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, या वो लोग हैं जिनको जिनको तकलीफ है, कमा नहीं सकते, सही साथ नहीं दे रहा है, परिवार की स्थिति नाजुक है, उनको मैं चाहता हूँ कि कम से कम मंथली पैसा मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलता पैसा, और दुनिया के मुल्कों में जो है उनका देख रेख करने का जिम्मा सरकार का होता है, तो क्यों नहीं हमारा मुल्क भी। अब हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनोगे तो पहले अपने घर को संभालोगे। हमारे घर में भूखे लोग मर रहे हैं, भुखमरी है, रहने को मकान नहीं है, रोटी कपड़ा मकान तो पहले आ सकता है, पहले वो पूरा करो, वो सब पूरा होगा तब राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनेगा केंद्र में सरकार में, जैसे मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी के वक्त पे बनाए थे 4 कानून, शिक्षा का अधिकार, नरेगा दिया आपको, बहुत क्रांतिकारी काम था, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिया, और RTI दिया। उसी प्रकार 5वां कानून बनना चाहिए सोशल सिक्योरिटी का, उसमें तमाम तरह की जो योजना है बच्चों से लगा के बूढ़े तक की तमाम योजना का समावेश हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा। ये मेरी सोच है, मैं प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह करता हूँ, आप इस दिशा में आगे बढ़िएगा और इसको हमें राहत दीजिएगा देशवासियों को। और यही धारणा लेकर मैं चल रहा हूँ। राजस्थान में जो हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है, महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो जाता है, इतनी भरेंगे महंगाई, इसलिए गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, और 25,000 का बीमा, बीमारी का, अब आपको मैंने स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया राजस्थान के अंदर, मतलब आप सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की हो गई है, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री है आपका। ये क्रांतिकारी कदम है, ये आपका राइट टू हेल्थ वाला, ये कोई मामूली कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम है ये। और 25,000 का बीमा कर दिया सबका, कितने लोग मिलते हैं, कितना इलाज हो रहा है, 5 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का, कोई सोच नहीं सकता। उनको घर गिरवी रखना पड़ता था, उनको गहने गिरवी रखने पड़ते थे, बेचने पड़ते थे माँ बाप की सेवा करने के लिए भी, अब आपको माँ बाप की सेवा करने के लिए भी, इलाज करवाने के लिए भी कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने बढ़ चढ़ कर देते ही फैसले किए हैं, अभी मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने और अभी गवर्नमेंट के जरिए उन्होंने सब बातें बताई आपको, मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा खुद का संकल्प है आज जो मैं बोला था पहले बजट के अंदर बोला था, यदि मेरे को लंबी चौड़ी बाहर नहीं जा सकता नहीं है, मेरे दोनों पैरों में एक साथ लग गई है, ऐसा कभी होता नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं, पहला केस देखा हमने कि दोनों अंगूठे में एक साथ फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो मैं देखता हूँ भगवान ने जानबूझ के किया होगा, 2 महीने में लगातार दौरे कर रहा था, देखा था कुछ थोड़ा आराम कर लेते ठीक रहेगा, तो ये मेरी घटना हो गई। तब भी मैंने कहा कि बच्चों का प्रोग्राम है, पहले मैंने तय किया, डॉक्टर ने सलाह दी मैं घर के अंदर से ही आपसे जुड़ दूँ इसी से, पर फिर मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि भाई नहीं, आप तो बच्चों का प्रोग्राम है, आपको बाहर आना ही पड़ेगा,
मुझे खुशी है कि मैं आया हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं आप सबका ये मुख्यमंत्री निवास जो है प्रदेशवासियों के दिया हुआ, आप सबका दिया हुआ, इस निवास पर आप सब आए हो, मैं आपका मुख्यमंत्री के घर पे आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। और इतना ही कहूँगा मैं आपको, मैंने बजट जब पेश किया था 22 का 30 फरवरी को, तब मैंने एक वादा किया था प्रदेशवासियों से, इसलिए चाहे मुझे कोविड हो गया, 3 बार कोविड हुआ मुझे, और कोविड के कारण बीमारी हो जाती, बात थकावट भी आती है, आप उसको ध्यान रखो। प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूँगा, पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम आती है, किसी के हार्ट की, किसी के किडनी की, किसी के आँखों की, किसी के थकने की, कोई बीमारी हो सकती है पोस्ट कोविड। और हार्ट की बीमारी लोग मर जाते कई बार, लोग समझ नहीं पाते मरा क्यों, उसको हार्ट की बीमारी से मर गया, नहीं, कोविड के कारण हार्ट की बीमारी उसको हुई है। ये बातें प्रदेशवासी जो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आप ध्यान रखें, हमारी सरकार ने 150 करोड़ रुपये खर्च करके पोस्ट कोविड इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ मैं राजस्थान के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ, जिससे कि रिसर्च हो और लोगों को बता सकें कि भाई आपको क्या करना है। तो मेरे चाहे वो आर्थिक परेशानी भी आई, मेरे लग गया वो छल्ला, कहते गाँव में छल्ला लग गया, मतलब पिस्टन लग गया। अभी गाँव में जाता हूँ मैं, कैंपों में लोग कहते थे मेरे छल्ले, 2 छल्ले लग गए, गाँव वाले बताते रहते हैं। और मुझे निमोनिया भी हो गया एक बार, फ्रैक्चर हो ही गया है, पर मैं आपकी सेवा के काम करने में कहीं रुकने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैंने एक बात बोली थी, वो मैं रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर मैं आपसे इंट्रक्शन करूँगा बच्चों से आपके सामने। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। आप समझ सकते हो मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की है, चाहे मैं किसी पद पे रहूं, नहीं रहूं, कहीं रहूं, पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, ये बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस स्थिति में इतनी भरी गर्मी में आपके सामने बैठे हैं और आप सभी से संवाद कर रहे हैं, अब समय है आपका कि एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ उनको अपने समर्थन दीजिए, जोरदार तालियों के साथ समर्थन कीजिए माननीय मंत्री महोदय का और राजस्थान सरकार का। बिन थके तो जयपुर से सीएम अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने पालनहार योजना के लाभार्थियों से संवाद किया।